राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ निधिवन। निधिवन बहुत ही एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पे दोस्तों तीन मंदिर हैं, जैसे कि राधा रानी श्रृंगार घर है, दूसरा यहाँ पे कान्हा जी का मंदिर है और एक यहाँ पे है संत हरिदास जी का समाधि स्थल। दोस्तों यहाँ पे निधिवन में घुसते ही आपको शू घर मिलेगा, जहाँ पे आप अपने जूते वगैरह उतार सकते हैं, जैसे कि स्कोन टेम्पल में था कि घुसते ही आपके जूते चप्पल स्टैंड है और वहाँ पे आप अपने जूते चप्पल वगैरह उतारिए। फिर उसके बाद आप सामने देखेंगे तो निधिवन का प्रवेश द्वार है, जहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे और उसी के साथ आपको राधा रानी जी का 16 श्रृंगार मिलेगा। आप 16 श्रृंगार लीजिए और उसको राधा रानी जी के जो 16 श्रृंगार मंदिर है वहाँ पे आप श्रृंगार घर में आप उसको अर्पित कीजिए, क्योंकि राधा रानी जी रात को श्रृंगार करती है। अभी चलते हैं हम निधिवन की तरफ। दोस्तों ये है निधिवन जाने का गेट। निधिवन का टाइमिंग है सुबह 6 से लेके 8 बजे तक। सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात के 8 बजे तक खुला ही रहता है। निधिवन एक विशाल तुलसी के पेड़ों का पूरा वन है। यहाँ पे सारे के सारे तुलसी के पेड़ हैं। जो भी पेड़ हैं वो जोड़े में हैं। जो हमारे घर पे तुलसी होती है वो ये तुलसी नहीं है। हमारे घर पे राम और श्याम तुलसी होती है, लेकिन निधिवन में निधि तुलसी होती है और ये तुलसी और कहीं भी नहीं पाई जाती, खाली निधिवन में ही पाई जाती है और इसी के ऊपर निधिवन नाम पड़ा हुआ है। दोस्तों अब ये आ गया है राधा रानी जी का श्रृंगार भवन, जहाँ पे राधा रानी जी का श्रृंगार का सारा सामान यहाँ पे चढ़ाया जाता है और यहीं से राधा रानी जी अपना श्रृंगार करती हैं और सुबह सारे का सारा श्रृंगार फैला हुआ मिलता है। जो भी पुजारी सुबह देखते हैं तो पूरे का पूरा श्रृंगार किया हुआ होता है और बिखरा हुआ मिलता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी रहस्यमय कहानियाँ हैं। यहाँ पे क्या है, कान्हा जी हर रात को रास लीलाएं करने के लिए आते हैं, तो ये जो तुलसी के पेड़ हैं ये उनकी सखियाँ हैं, ये उनकी सहेलियाँ हैं जो कि कान्हा जी के साथ रास लीलाएं करती हैं। कोई भी रात को यहाँ पे रुक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो भी रुका है वो या तो मर गया है या वो पागल हो गया है। अभी हम आगे चलते हैं। ये है ललिता कुंड। ललिता कुंड के पीछे भी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि ललिता राधा रानी जी की एक प्रिय सखी थी और उनका नाम विशाखा था। विशाखा को ही ललिता कहते थे। तो जब एक रात को जब कान्हा जी राधा रानी जी के साथ रास लीलाएं कर रहे थे, उसी टाइम ललिता को प्यास लगी। तो ललिता ने जब आके बोला कि प्यास लगी है, तो कान्हा जी ने अपनी बंसी से ही खोद के ये कुंड बनाया था, से उन्होंने पानी पी के अपनी प्यास बुझाई थी। तो तभी से ये कुंड उन्हीं के नाम से है, ललिता कुंड या विशाखा कुंड। दोस्तों ये जो निधिवन है ये बहुत ही विशाल वन है, मतलब इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे खासे इसमें पेड़ हैं और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनके आसपास कुछ नहीं है, यहाँ पे चारों तरफ लोग रहते हैं। अभी हम आगे चलते हैं। ये है कान्हा जी का मंदिर, जहाँ पे डेली के डेली उनके लिए बेड वगैरह लगाया जाता है और सुबह हम जो पुजारी लोग देखते हैं वो देखते हैं कि उस बेड पे जो भी कपड़े वगैरह लगाए थे वो सारे के सारे, मतलब ऐसे कि जैसे यहाँ पे कोई आके रात को लेटा हुआ था, तो वो सारे के सारे अस्त व्यस्त मिलते हैं। और आगे जाके ये है राधा रानी जी की वंशी वाली मूर्ति, एक ही है यहाँ पे और ये निधिवन में ही है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और इस मूर्ति को देखने के लिए सब लोग ही नहीं, देवता तक इसके दर्शन करने के लिए तरसते हैं। तो ये भी मैं आपके लिए दर्शन करने के लिए आया हूँ। राधा रानी की जय हो। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ संत हरिदास जी की समाधि। दोस्तों संत हरिदास जी 1500 ईस्वी में यहाँ पे आए थे और वो उन्होंने यहाँ पे जो कान्हा जी के की रास लीलाएं हैं उनको लेके बहुत सारे गीत उन पे गाए उन्होंने, और उन्होंने इतनी भक्ति की है कान्हा जी की कि उन्होंने साक्षात जब तक कान्हा जी बांके बिहारी जी के रूप में उनको दर्शन नहीं किए, तब तक उन्होंने कान्हा जी के लिए ऐसे ही भक्ति करते रहे और संगीत करते रहे, और कान्हा जी ने बाद में उनको बांके बिहारी जी के रूप में दर्शन दिए। और संत हरिदास जी का भी मैं परिचय दे दूं आपको। अकबर के जो संगीतकार होते थे वो थे तानसेन, उनके गुरु संत हरिदास जी ही थे।
उन्होंने ही उनको संगीत सिखाया था और ये बहुत ही बड़े संत हुए हैं संत हरिदास जी। और बाद में इन्होंने निधि वन में ही अपने प्राण त्याग दिए और आज भी निधि वन में इनकी समाधि बनी हुई है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। और देखिए कितना अद्भुत और अलौकिक है निधिवन। निधिवन आइए आप, बहुत ही आपको एक अलग ही शक्ति का अनुभव होगा। बहुत ही शांत वातावरण है, थोड़ी भीड़ होती है लेकिन कोई परेशानी नहीं, आपको फील नहीं होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। राधे राधे।